हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर सेट 13111 इसका कोड है। चलिए आप अपने आंसर्स फटाफट हमसे मिला लीजिए और देखिए कितने आंसर आपके करेक्ट हैं। कोड है 3111 सेट 1 साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यूड पीसीज ऑफ द ग्रेन्यूल जिंक इन द टेस्ट ट्यूब देन वॉर्म द रिएक्शन दैट अकर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकेंड है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज डी कम्पोजिशन इज लाइट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2AgBr गिव्स 2Ag प्लस Br। ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड, अ मेटल एंड अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, मरकरी एंड ब्रोमाइन। ऑप्शन सी थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन फोर्थ, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेकेंड और फोर्थ। इसके दोनों सेकेंड और फोर्थ दोनों ही करेक्ट हैं। इसके सेकेंड है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। तो फोर्थ का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका बेटा, जो क्वेश्चन फिफ्थ है वो क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पास कौन से हैं, एक है FeSO4, दूसरा है CuSO4, तीसरा है CuSO4 और Na2CO3, द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन फिफ्थ के हिसाब से मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन कहाँ होगा, Na2CO3 पे होगा। कहाँ होगा, Na2CO3 पे। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक। आपको पता ही है एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होंगे उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पढ़ा होगा आपने ये। तो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है आपका डी। जल्दी से बेटा देख लो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ, उसका आंसर क्या है। फिफ्थ का आंसर है CaSO4 ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम और जिंक। इसका आंसर है एम्फोटेरिक। क्वेश्चन नंबर सेवन, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स वाला। इसका आंसर है ऑप्शन डी, MnO2 इज रिड्यूस और HCl क्या होगा, ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम एट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, यानी थर्ड और फोर्थ इसमें करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द फीमेल वाला। जो क्या है क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एट समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर एट कौन सा है आपका, सेकेंड और फोर्थ कौन सा करेक्ट है इसमें, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नाइन में देखेंगे, तो क्वेश्चन नाइन में हमारे को बोला क्रोमोसोम्स वाला जो है क्वेश्चन नंबर नाइन। तो क्वेश्चन नाइन में क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन में बोला है, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिक इंपल्स इज कन्वर्टेड। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसमें कन्वर्ट होती है, एक्सॉन में। तो क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों, याद है क्या, नहीं है क्लियर, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर इलेवन के बेटा। क्वेश्चन नंबर इलेवन है आपका, स्टोमेटा क्लोज बैन। तो स्टोमेटा कब क्लोज होता है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज द सेम साइज एज दैट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर आपका है बेटा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन सी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13, तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? तो हम उसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। जो लेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई है फॉर्म करता है इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में आपको बोला था पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो करंट कैरिंग सोलेनोइड में किस तरीके के पैटर्न क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं? ये देखो चार पैटर्न दे रखे हैं ए बी सी डी, तो देखो ये तो बेटा बिल्कुल हो नहीं सकता, ये तो आपको पता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है और ये भी इम्पॉसिबल है, यानी तीनों पैटर्न क्या है, ये तीनों पैटर्न रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन 14 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द यूनिफॉर्म, यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड ये क्या करता है, ये यूनिफॉर्म बना करता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल है वो फूड चेन में कहाँ पर मिस है। देखो ग्रास, गॉट, लायन, दोनों है, तीनों है, ग्रास फर्स्ट है, गॉट सेकेंड है, लायन थर्ड है, जो प्लिंटन, फाइटोप्लिंटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इसमें भी सारे हैं। यहाँ पे देखो टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, तो भाई ग्रास को खाएगा कौन? ग्रास को खाने के लिए कोई हर्बीवोरस तो होना चाहिए, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसका ऑप्शन क्या है 15 का? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल फ्यूजन इट मीन्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला है मल्टीपल फ्यूजन, तो इसका आंसर होगा बेटा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन 15 का आंसर क्या है? टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग, ऑप्शन सी। हम कौन सा सेट कर रहे हैं? सेट वन कर रहे हैं। आपको तीनों सेट मिलेंगे। चलिए फटाफट असेसमेंट रीजन करके देखते हैं बच्चों। तो असेसमेंट रीजन है आपके, तो बेटा जो आपका फर्स्ट असेसमेंट रीजन है 17, उसमें बोला है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो ये जो बोला है हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो ये करेक्ट है, यानी इसका असर्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद इसमें रीजन दिया है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, तो जो इसका रीजन है वो भी करेक्ट है, यानी 17 का असर्शन और रीजन दोनों ही आपके करेक्ट है। असर्शन भी सही है, हाइड्रोजन गैस एक्चुअल में इवॉल्व नहीं होती, इवॉल्व यानी प्रोड्यूस नहीं होती व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, और इसका रीजन भी सही है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन गैस के साथ और प्रोड्यूस करता है वाटर इटसेल्फ गैस रिड्यूस, तो इसका असर्शन रीजन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें लगा एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हायर ट्रॉपिकल लेवल ऑफ द फूड चेन। बिल्कुल आपका इसका असर्शन सही है, टॉप ट्रॉपिकल लेवल जो होता है वहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन के कारण क्या होता है, ज़्यादा केमिकल फॉर्मेशन होती है। इसके बाद रीजन में है हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिजीज एंड पेस्ट, तो जो बोला है हार्मफुल केमिकल जो है स्प्रे करे जाते हैं क्रॉप्स में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बीमारियों से पेस्ट, ये भी इसका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का भी आपका असर्शन रीजन बेटा दोनों ही क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो असर्शन है उसमें बोला हुआ है द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो ये बेटा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो एयर में ब्रीथिंग रेट जो है हमेशा स्लोअर होगा, क्योंकि वाटर में क्या होती है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि अगर वैसे भी देखे हुए तो H2O, तो H2O हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक, उसके अलावा तुम देखोगे तो H2O ऑक्सीजन की मात्रा वाटर में क्या होती है, कम होती है। तो इसका असर्शन क्या है आपका? असर्शन इसका करेक्ट है, असर्शन इसका बेटा करेक्ट है आपका। रीजन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई, ये गलत है, इसका रीजन गलत है, जबकि वाटर में जो होती है ऑक्सीजन कम होती है एज कम्पेयर टू एयर, तो इसका असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। लिखा रेनबो ऑफ द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल ठीक है, जो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है और स्काई पे होता है सनलाइट टाइम पे। रेनबो इज फॉर्म द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉप ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर, ये रीजन इसका फॉल्स है, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट बैक में होना चाहिए। तो ये आपके सेक्शन ए के आंसर है, सेक्शन बी के आंसर की वीडियो भी आपको तुरंत थोड़ी देर में ही अपलोड मिलेगी, अपने आंसर मैच करके देखिए आपने कितना स्कोर करा है, ठीक है बेटा।